नमस्कार। पॉजिटिव भारत सहित विकास बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रु। आईआईटी और आईआईएससी निर्देशक कथा प्रधानमंत्री उपस्थित थिले। नवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दक्षता विकास मंत्रालय दायित्व नेले। धर्मेंद्र सेपटे रेलमंत्री भाव कार्यभार आरंभ कले अश्विनी वैष्णव। विभाग बंटन पर दायित्व नहीं नवनियुक्त मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सूचना प्रसारण और युव और क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर आईन मंत्री किरण रिजिजू को ग्रहण कले निज निज विभाग दायित्व। विभाग बंटन पर कामर समय नुआ मोदी कैबिनेटर प्रथम बैठक आरंभ। डीए और डीआर उपर नियाजाइपारे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। दुईटी डोज नहीं जात्री खुशी खबर। राज्य भितर हो किंबा बाहर को यात्रा कले आउ दरकार पड़बनी कोविड टेस्ट। विदेश रु देश को आसिले क्वारंटाइन आवश्यक नहीं। गुरुत्वपूर्ण बैठक में निष्पत्ति नहीं कोविड-19 वर्किंग कमिटी मुख्य सूचना। एवं पखाड़ बढ़ाए रोग प्रतिषेधक शक्ति। शरीर पर उपयोगी तोराणी रे थिबा अणुजीव भूताणु संक्रमण रु भी देइथाए सुरक्षा। भुवनेश्वर एम्स रो गवेषणा रु मिलिला तथ्य। आज संपूर्ण खबर को केन्द्र मंत्रिमंडल संप्रसारण गोटे दिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी और आईआईएससी अधीक्षकों कथा होती। आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बैंगलोर अध्यक्षों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया कथा होती प्रधानमंत्री। बैठक में नुआक शिक्षामंत्री होता धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रही। आज शिक्षामंत्री भाव दायित्व नहीं पारती धर्मेंद्र प्रधान। यह पूर्व से मंत्रालय सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी बैठक करपरी। दक्षता विकास मंत्रालय मंत्री भाव आज धर्मेंद्र प्रधान निजर दायित्व ग्रहण कर हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दायित्व हस्तांतर कर धर्मेंद्र प्रधान। I feel greatly honored and privileged by the trust that has been reposed by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has included me as a member of his team and assigned to me the work of this important ministry, which was so ably led by Shri Dharmendra Pradhan ji till now. सबडे विभाग बंटन पर एबे कामर समय मोदी कैबिनेटर संप्रसारण और अदल बदल पर गुरुवार संध्यार नुआ कैबिनेटर प्रथम बैठक आरंभ होइछे। बैठक में किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करा जाय पारे। सप्तम वेतन कमिशन को सुपारिश अनुसार सरकारी कर्मचारी को महंगा भत्ता एवं डीआर लाभर आजिर कैबिनेट पर कार्यकारी करा जाय पारे बोली सूचना मिलुछि। तबे कैबिनेट बैठक मंत्रिमंडल संप्रसारण पर प्रथम करी बैठक होईची। कौन अच्छी बैठक रे चली आलोचना से अधिक अपडेट नवा। दिल्ली रु मो सहयोगी गगन जोड़ी जाइछन्ती। गगन, कैबिनेट बैठक मंत्रिमंडल संप्रसारण पर बैठक रे कौन खास रही फोकस रही कौन अपडेट आसुची गगन? तेज विभाग बंटन पर कामर समय मोदी कैबिनेटर संप्रसारण पर अदल बदल पर आज संध्यार कैबिनेट बैठक होती। आउ कि समय पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बैठक। पहले तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसी को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसी का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके। उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है इसको एपीएमसीज़ के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे। इसके अलावा जो हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको ही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जिसमें चेयरमैन की पोस्ट को लेकर उसकी बजाय उसमें और प्रोफेशनलिज्म आए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ को बनाने का निर्णय किया गया है। इसमें भी कोकोनट के उत्पादकों को उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बल मिलेगा। पहले निर्णय में जहां एपीएमसी के माध्यम से देश भर के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई-नेम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम किया, एक के बाद दूसरा निर्णय मोदी सरकार में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो लिए हैं वो एपीएमसीज़ को मजबूत करने के लिए, उस पर विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे। जो दूसरा विषय हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया। आपको याद होगा इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ फंड जो हमने किया था पिछली बार, वो 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहली मदद के रूप में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, लैब्स और बाकी आधारभूत ढांचा हेल्थ से रिलेटेड सुधारने के लिए दिया था। उसके बाद ये भी निर्णय किए कि एसडीआरएफ का पैसा भी कोविड की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये निर्णय भी उस समय हुआ था कि नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे को भी उसमें उपयोग किया जा सके, क्योंकि कोविड से जंग जीतेंगे हम, इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया। और आज एक बड़ा निर्णय फिर एमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2, जिसको 23,123 करोड़ रुपये का आज उस पर निर्णय लिया है। इसमें भी राज्यों को अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोविड से लड़ना पड़े, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि बाल चिकित्सा के लिए पीडियाट्रिक्स और बाकी सब सुविधाएं और बाकी भी सब, उस पर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई वो भी आपको उस पर जानकारी देंगे। मैं पहले आग्रह करता हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, और उसके बाद माननीय मनसुख भाई उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई मंडाविया जी और हमारे सूचना प्रकाशन मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सचिव कृषि डीजी साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सके, उनकी उत्पादकता बढ़े, और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ होगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में दो प्रकार के सदस्य हैं। एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ राज्य जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं वो चक्रानुक्रम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे। यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस क्षेत्र में परिवर्तन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है, तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे 3-4 प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा में हुए हैं। दूसरा आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूं। आम तौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा। और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगे। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कॉपरेटिव के फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन जिस पर सरकार की गारंटी होगी और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके, संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी, वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता। तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कॉपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर यह बंदिश लागू नहीं होगी। वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिषद रहे, मतलब एक मंडी का परिषद हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी, एपीएमसी ख़त्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेंगी। प्रमुख रूप से मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना था। नमस्कार आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय अनुराग जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सभी पत्रकार बंधु, भाइयों एवं बहनों, आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। कैटेगरी 2 में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर उस वक्त हमारे पास था ही नहीं, ये पैसा का उपयोग करके 8,338 हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना लिया। वैसे ही कैटेगरी 3 में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर आज 10,011 हमारे पास बन चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास 50,000 ओनली थे, उसको बढ़ा के 4,17,396 आज के दिन में हो चुका है। इस तरह से ये 15,000 करोड़ रुपीस का उपयोग हुआ और उसका फायदा भी हमें हुआ। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। क्या हम टेलीमेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं? क्या हम टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते हैं? उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते? उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन जब स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक, देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में JNM स्टूडेंट हो, BSc नर्सिंग में स्टडी करता हो, ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में PSC और CSC लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके, उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 ICU बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है, और उसमें 20% बच्चों के लिए विशेष हो, उसका हाइब्रिड यूज हो सके, बच्चों पेशेंट के रूप में आए तो वो ICU में उसके लिए भी उपयोग हो सके, और बड़े लोग आए उसके लिए भी उपयोग हो सके। ऐसा हाइब्रिड व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। कुल मिला के कभी आवश्यकता हो जाती है, कोई क्षेत्र में बढ़ गया, महामारी बढ़ी, तो उसके लिए हमें एक बड़ी साइज़ का फील्ड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता हो गई, तो उसके लिए भी 5,000 बेड और 2,500 बेड, ऐसा करके 150 यूनिट में हम बना सके, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई, तो ऐसी स्थिति भविष्य में निर्माण न हो जाए, उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10,000 लीटर क्षमता की व्यवस्था, हमने स्टोरेज क्षमता की व्यवस्था, हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो। ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सकें। जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, उसके लिए भी हमने इस पैकेज में व्यवस्था की है। कुल मिला के मेडिसिन की भी किल्लत ना हो जाए, सेंट्रल लेवल पर भी बफर स्टॉक के लिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 करोड़ रुपीस की मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रयोग करके बफर स्टॉक कर सके, ऐसी भी व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। कुल मिला के भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजनापूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। वी विल नाउ टेक ए फ्यू क्वेश्चंस। मनसुख जी, सबसे पहले आपको बधाई स्वास्थ्य मंत्री बनने। जब आप सुनुले केंद्र कैबिनेट बैठक पर प्रेसमिट था। प्रेसमिट रे कृषि एवं स्वास्थ्य को नहीं बड़ घोषणा करा जायछि। कृषि क्षेत्र में अनेक गुड़े निष्पत्ति निया जायछि, खास करके नड़िया चाष को अधिक बूस्ट करने की योजना करा जायछि। एथिरे जो बोर्ड थिला से बोर्ड रो जो आईन थिला 1980s बेलर आईन को परिवर्तन करा जायछि। ताधेरे जो मुख्य थिले नुआ मुख्य परिवर्तन हेबे, नुआ मुख्य केन्द्र रु रहउतिले, एबे नुआ मुख्य सही फील्ड रु आसिबे जो फील्ड रे तांकर अभिज्ञता थिबो। नडिया चाष उपर किबा फार्मिंग कम्युनिटी रु जने नुआ मुख्य आसिबे। ता सहित पूर्वरु 4 मेंबर सदस्य थिला, एबे याकू 6 कर दिया जायछि। 2 मेंबर संख्या बढ़ाई दिया जायछि, जोंतरे 2 नुआ राज्य शामिल होचंदे आंध्र प्रदेश एवं कहि परिबा गुजरात। ता सहित एपीएमसी बा कृषि उत्पादन बाजार समिति, ये समिति को मजबूत करने की निष्पत्ति निया जायछि। समिति रे 1 लाख कोटी टंका फंड जरिया रे केमिति चाषी मानकू अधिक योजना पहुँचा जाई परिबो। सीधा सड़क मंडी रे जो समस्या होउछि ताको समाधान करा जाई परिबो, से नै कि मध्य बड़ पदक्षेप निया जायछि। ता सहित स्वास्थ्य क्षेत्र रे बड़ पदक्षेप निया जायछि। 23,000 कोटी टंका रो कोविड इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड घोषणा करा जायछि, जेउथुर 15,000 कोटी टंका राज्य सरकार देबे, केंद्र सरकार देबे एवं 8,000 कोटी राज्य मिलित भाव लड़ई में सामिल हे। टेलीमेडिसिन मेडिकल फैसिलिटी डाक्तरी छात्रों को केमती स्वास्थ्य सेवार नियोजित करा जाई पारिबो, से नै कि मध्य निष्पत्ति नै जायछि। बुलेटिन समय सरछि, बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार।